हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज आप सभी से तहरी की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए फटाफट इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे मस्टर्ड ऑयल या घी भी ले सकते हैं। इसके बाद जीरा डालेंगे, 2 से 3 तेज़पत्ता डालेंगे और कटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब इन चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। इसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च का 1 स्पून पेस्ट डाल देना है और इसे भी 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। जब ये भून जाए तब हमें प्याज डाल देना है। यहाँ पे हमने 2 प्याज को अच्छे से बारीक चॉप करके डाला है। जब प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगे तब हमें बाकी की चीज़ें मिक्स करनी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जब प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो जाए तब हमें बारीक कटे हुए अदरक डाल देना है और अदरक को 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। इसके बाद आलू डालेंगे। आलू को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और 1/2 कप सोयाबीन डालेंगे। सोयाबीन को हमने भिगा के रखा था। इसके बाद अपना बेसिक मसाला डालेंगे, धनिया मिर्चा हल्दी और 1 स्पून नमक डाल देंगे। और इसके बाद 2 टमाटर को रफली कट करके डाल दिया है और 2 स्पून मीट मसाला डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें कुकर में हम डाल रहे हों उस वक्त गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट तक सब्जी और मसालों को अच्छे से हमने कुक कर लिया है। अब इसके बाद कुकर में चावल डालेंगे। 2 कप चावल को अच्छे से धुल के डाला है। अब चावल और सब्जी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब तहरी को ढककर 4 से 5 मिनट तक हमें कुक करना है। बीच बीच में हमें चलाते रहना है। जब तहरी अच्छे से हमारी भुन जाए और उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तब हमें पानी मिलाना है। और अब हम 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी डाल देंगे और एक बार फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसके ऊपर ढेर सारा कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। एक बार सारी चीज़ों को फिर से मिक्स करेंगे। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब 2 व्हिसल आने तक तहरी को हम पका लेंगे। अब कुकर का प्रेशर भी अच्छे से निकल चुका है और अब तहरी को हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी गीली गीली तहरी हमारी रेडी हो चुकी है। आप गर्मा गर्म तहरी को चटनी या रायता के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि रेसिपी कैसी लगी।